नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप लोगों का मेरी चैनल पे। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ मत्स्य अवतार के बारे में। भगवान विष्णु के 10 अवतार है और भगवान विष्णु का प्रथम अवतार मत्स्य अवतार है। तो मैं आपको आज मत्स्य अवतार के बारे में कहानी बताने वाली हूँ कि आखिर क्यों लिया विष्णु भगवान ने मत्स्य अवतार। सतयुग में मनु नाम का एक राजा था जो भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसके भगवान विष्णु को अपने आंखों से देखने की प्रबल इच्छा थी, जिसके लिए उसने हजारों वर्ष तक गंभीर तपस्या की थी। सतयुग खत्म होने की कगार पे था और एक भीषण बाढ़ इस पृथ्वी पर सभी जीवों का विनाश कर नए युग में प्रवेश करने वाली थी। भगवान ब्रह्मा का एक दिन का सृजन कर थक गए थे, इसीलिए वो सोना चाहते थे। जब ब्रह्मा सो रहे थे तब असुर हयग्रीव भगवान ब्रह्मा की नाक से प्रकट हुआ। असुर हयग्रीव ने सोचा कि भगवान ब्रह्मा सो रहे हैं और वेदों का ज्ञान लेने का यही सही समय है। हयग्रीव ने अपना सारा ध्यान केंद्रित करते हुए वेदों का सारा ज्ञान पी लिया और ये सोच के समुद्र के गहराई में छिप गया कि कोई उसे वहाँ पे खोज नहीं पाएगा। भगवान विष्णु को जब इस बात का पता चला तो वो बहुत चिंतित हो गए कि अगर वेदों को असुर ने चुरा लिया और वेद अब अगले युग में नहीं जा पाएंगे। रक्षक होने के नाते वेदों का ज्ञान अगले युग में पहुंचाना भगवान विष्णु का काम था। भगवान विष्णु ने विचार करते हुए मनु को तपस्या में लीन देखा। भगवान विष्णु ने एहसास किया कि ये व्यक्ति ही वेद को अब बचा सकता है। अगली सुबह मनु प्रार्थना शुरू करने के लिए नदी के निकट गए। उन्होंने जल को अपने हाथों में लिया और भगवान विष्णु की प्रार्थना करते हुए जल को भगवान को समर्पित कर दिया। जैसे ही वो पानी नदी में चढ़ाने लगे तभी उसको अपने हाथों से आवाज आई, हे महान राजा, मुझे पुनः नदी में मत प्रवाहित करो। मनु अपने हाथों की तरफ देखने लग गए तो उन्होंने अपने हाथों में एक छोटी मछली को देखा। मछली मनु की तरफ देख के प्रार्थना करने लगी, मुझे पुनः पानी में मत डालो, इस पानी में कई बड़ी मछलियां हैं जो मुझे निगल जाएगी। मनु ने दया भाव से उस मछली की ओर देखा। एक राजा होने के नाते उसके पास मदद के लिए आने वाले हर जीव की हिफाजत करना उसका कर्तव्य था। राजा मछली की बात से सहमत होते हुए उसे अपने कमंडल में डाल लिया। मनु ने अपनी तपस्या खत्म की और रात्रि विश्राम के लिए घर चले गए। मनु ने मछली को कमंडल में ही रखा ताकि वो सुरक्षित रहे। अगली सुबह जब वो जागा तो उसे एक तेज आवाज आई, हे राजा, मेरी मदद करो, तुम्हारे कमंडल में मेरा दम घुट रहा है और मैं सांस नहीं ले पा रही। मनु ने आश्चर्य से कमंडल में देखा तो वो मछली थोड़ी बड़ी हो गई थी कि उसका मुंह कमंडल के शीर्ष तक आ गया था और वो उस कमंडल में ठीक से समा नहीं रही थी। मनु ने ये देखते हुए और दौड़ते हुए घर में जाके एक बड़ा पात्र लिया और उसमें मछली डाल। मछली ने राहत की सांस ली और मनु को धन्यवाद किया। मनु मुस्कुराते हुए अपनी प्रातःकाल की प्रार्थना के लिए चले गए। उसे पहले से ही तेज आवाज आई, राजा, ये पात्र भी मेरे लिए छोटा पड़ गया, मुझे किसी और पात्र में स्थान दो। मनु उदास होते हुए मछली की ओर देखने लगा कि इसे अभी कुछ समय पहले ही बड़े पात्र में डाला था, ये अभी इतनी बड़ी कैसे हो गई। मनु ने अपने घर से और बड़ा पात्र लेके आगे और मछली को उसमें डाल दिया। मछली ने राजा को फिर धन्यवाद दिया और जैसे ही वह प्रार्थना के लिए अपने घर के द्वार तक पहुंचा तब फिर से आवाज आई, मुझे माफ करना, ये पात्र भी मेरे लिए पर्याप्त नहीं। मनु को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ कि उस पात्र में मछली का आकार इतना विशाल कैसे हो गया। हालांकि उसने सोचा कि ये वक्त प्रश्न करने का नहीं है, वो उस मछली को लेके दौड़ता हुआ नदी के समीप ले गया जहाँ पे उसे वो मिली थी और उस मछली को उस नदी में डाल दिया। मछली ने अब राहत की सांस ली और फिर राजा को धन्यवाद कहा, हे महान राजा, तुमने मेरी रक्षा की है, इसीलिए मुझे तुम यहाँ अकेला छोड़ के मत जाओ, मुझे डर है कि बड़ी मछलियाँ मुझे निगल न जाए। मनु ने उसको संदेह की नजरों से देखा, लेकिन एक राजा होने के कारण उसको किसी भी जीव की रक्षा करने का कर्तव्य था। वो मछली की ओर देख रहा था तभी उसने देखा कि मछली तो और भी बड़ी होती जा रही है और उसने अब पूरी नदी को ढक लिया है।
फिर से मछली ने वही राग लापा। मनु उसको एक नदी से दूसरी नदी में ले जाते रहे, लेकिन हर बार उसका आकार बढ़ता गया। अंत में उसने मछली को समुद्र में छोड़ दिया। तभी उसकी आंखें फटी की फटी रह गई कि मछली ने आकार बढ़ते हुए समुद्र को एक तरफ से पूरा ढक दिया। इस विशाल मछली को देख के मनु के सामने प्रकाश आया। मनु अब उस मछली के आगे झुकते हुए बोला, नारायण, आप नारायण हो मेरे भगवान। मछली ने हंसते हुए कहा, तुम मुझे देखना चाहते थे और मैं आ गया। मनु की आंखों में आंसू आ गए। तभी उस मछली के सिर पे एक विशाल सींग उग गया। मनु ने मछली के आगे साष्टांग प्रणाम करते हुए कहा, मेरे भगवान, आपने मेरी एकमात्र इच्छा पूरी कर दी, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब आप मुझसे क्या चाहते हैं? मछली के रूप में नारायण ने उत्तर दिया, मनु, युग 7 दिनों बाद समाप्त होने वाला है। एक भीषण बाढ़ आएगी और इस संसार के सारे जीव नष्ट हो जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम एक बड़ी नौका बनाओ, सभी पौधों के बीज, सभी प्राणियों के नर और मादा और सप्त ऋषियों को अपने परिवार के साथ लेके उस नौका पे आ जाओ। मनु ने सिर हिलाया और फिर मछली ने अपनी बात जारी रखी, नागों के देवता वासुकी को साथ ले जाना, मत भूलना। मनु ने फिर सिर हिलाया और मछली समुद्र में चली गई। मछली ने अपना आधागम समाप्त कर दिया था और समुद्र के दूसरी ओर अपने अवतार का उद्देश्य पूरा करने के लिए चली गई। समुद्र के दूसरी तरफ मछली ने देखा तो हैगरी वेदों की रक्षा कर रहा था। इस विशाल मछली को देख के वो डर गया। वो कुछ सोचे उससे पहले ही मछली ने उस पर प्रहार कर दिया। वो मछली इतनी विशाल थी कि एक प्रहार ने असुर को चपेट में ले लिया। फिर की घबराया हुआ हैग्रीव मछली उससे लड़ने के लिए तैयार हो गया, लेकिन मछली बहुत ही शक्तिशाली थी। कुछ देर संघर्ष करने के बाद असुर की मृत्यु हो गई। जैसे ही असुर मर गया, मछली ने वेदों को पी लिया और ब्रह्मा के पास चली गई, जो अभी भी सो रहे थे। दूसरी ओर मनु ने नौका तैयार कर दी। वो 7 ऋषियों को, उनके परिवार को भी लेके आ गए। अचानक वहाँ मूसलधार बारिश शुरू हो गई, पानी का स्तर बढ़ने लगा। कुछ समय बाद बाढ़ आ गई, नौका डगमगाने लगी और कई बार उलटने वाली थी, लेकिन मनु और अन्य सभी दृढ़ थे कि भगवान विष्णु उनकी रक्षा करेंगे। तभी वादे के अनुसार मछली वहाँ पे आ गई और कहा, मनु, वासुकी नाग को रस्सी की तरह उपयोग करो और मेरे सींगों से नौका को बांध दो। एक बार जब नौका को मछली से बांध दिया तो मछली मत्स्य अवतार ने नौका को समुद्र में मार्ग दिखाया और तूफान के वक्त नौका को सुरक्षित रखा। मछली ने जब यात्रा के दौरान वेदों का ज्ञान मनु और दूसरे प्राणियों को सिखाया, जैसे ही तूफान समाप्त हुआ सब पृथ्वी पर तबाह हो चुका था। मछली ने नौका को हिमावन पर्वत पे छोड़ दिया और वहां से नौका पर सवार प्राणियों ने नए युग का आरंभ किया। तो दोस्तों, ये थी मत्स्य अवतार की कहानी विस्तार से। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें और शेयर।